Alright, students. So let's start our lecture. Good morning to everyone. We, hum, our lecture, revision, se start, karte hai, That within last, lecture, humne kya tha? within last lecture, we have seen the topic that is virus, worm, and Trojan. Right. Again, I repeat. Within last lecture, we have seen the topic that is virus, worm, and Trojan. Within which we have seen what is virus. Then we have seen that. Uh, which are the measures if we want to detect or prevent virus within our devices then we have seen types of viruses after that we have seen what is worm what is the difference between virus and worm right then why worm is more dangerous than virus and by the end we have seen what is trojan or more precise we can also say it as a trojan horse and we have also seen what is the difference between trojan horse and worm and then we have seen one example of trojan horse that is key logger right so these were the things which we have covered within last lecture now within this lecture we will start with the topic that is 4.2.3 that is email related crimes again i repeat within this lecture we will start with the topic that is 4.2.3 email related crimes within which first of all we have uh, we will see 4.2.3.1 that is email spoofing and spamming again i repeat we will see the topic that is 4.2.3.1 that is email spoofing and spamming first of all we will see what is email spoofing and then we will cover what is email spamming now in email spoofing what is the scenario अगर हम नॉर्मल ईमेल की बात करें दैट एक सेंडर होता है एक रिसीवर होता है सेंडर क्या करेगा जिसको उसे मेल भेजना है दैट इज हम टू फील्ड के अंदर वो ईमेल एड्रेस लिखेंगे आफ्टर दैट सब्जेक्ट लाइन लिखेंगे मैसेज बॉडी एंड इफ यूट टू अटैच सम फाइल राइट देन वी कैन ऑल्सो सेंड दैट थिंग एज एन अटैचमेंट विद इन दल ये नॉर्मल सिनारियो है कि हम कैसे ईमेल फ्रेम करते हैं बट इन केस ऑफ ईमेल स्पूफिंग राइट क्या होता है कि यहाँ पे सेंडर राइट सेंडर एड्रेस और जो दूसरा जो सारा ईमेल का हेडर पार्ट होता है वो अल्टर किया जाता है ताकि रिसीवर को दैट इज रेसिपियंट को ऐसा लगे कि ये कोई डिफरेंट सोर्स से उसे ये ईमेल आया है अगेन आई रिपीट ईमेल स्पूफिंग में क्या होता है कि ये जो भी ये स्पूफर होते हैं, राइट right? मतलब ये जो ईमेल स्पूफिंग एक्टिविटी करते हैं, राइट right? वो पर्सन क्या करते हैं सेंडर का एड्रेस मतलब जो सेंड कर रहा है उसका एड्रेस दैट इज फ्रॉम फ्रॉम फील्ड के अंदर जो एड्रेस आता है ईमेल एड्रेस आता है वो वो अल्टर करता है एंड अलोंग दैट ईमेल हेडर के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं दूसरी फील्ड्स होती है वो भी वो अल्टर कर देता है और वो इस हिसाब से अल्टर करता है कि ऐसा लगे कि ये ईमेल कोई डिफरेंट सोर्स से आया है कोई डिफरेंट सोर्स से ओरिजिनेट हुआ है राइट सो स्टूडेंट्स दिस इज स्पूफिंग में क्या होता है अब ये क्यों होता है हमें पता है कि जब भी हमें कोई ईमेल सेंड करना है तो हम एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अब ये एसएमटीपी प्रोटोकॉल के अंदर इतना सिक्योरिटी नहीं होता है दैट इज वो इतना ऑथेंटिकेशन लेवल का सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता है ये एसएमटीपी प्रोटोकॉल दैट्स व्हाई इट इज वेरी इजी टू प्रीटेंड एंड फोर्ज ईमेल्स Again, I repeat, students, that's why it is very easy to pretend and forge emails, right? And if we consider this spoofing, then it is an illegal activity. हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कोई भी बंदे को कोई भी ईमेल सेंड कर दे और उसके अंदर ऐसा बता दे कि ये ईमेल कहीं और से आया है। No, it is an illegal activity कि जो हमें यहाँ पे consider करना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली अगर कोई बंदा मतलब जो spoofer जो जो भी होते हैं 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 कि ये करते right? अगर वो पकड़े जाते then there are laws in Indian jurisdiction के जो, जिसके हिसाब से उन्हें पनिशमेंट मिल सकती है राइट नाउ देर आर मेनी डिफरेंट सिनारी कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लाइंट को दैट इज जो ईमेल यूज करते हैं वो जो पीपल होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि ओके एस एम टी पी प्रोटोकॉल की एक्सटेंशन सर्विस होती है कि जिसके अंदर हम सिक्योरिटी लेवल को नेगोशिएट कर सकते हैं ऑन मेल सर्वर Again, I repeat, बहुत सारे ऐसे होते बहुत सारे आईटी पीपल भी ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि की है ऑन मेल सर्वर तो हम नॉन आई टी पीपल की तो बात कर ही नहीं सकते राइट right? इसीलिए वो लोग ये प्रिकॉशन नहीं ले सकते बिकॉज उन्हें पता ही नहीं है कि वहां पे हम सिक्योरिटी लेवल को चेंज कर सकते हैं राइट right? सो so, अगर हम प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो थोड़ा बहुत नॉलेज वाला बंदा भी ये ईमेल कर सकता है ओनली दट दैट पर्सन है वर्लर एबिलिटीज और मोर प्रिसाइज वी कैन से यूज द गुड फैसिलिटीज इन अ रॉन्ग मैनर और वो किसी को भी कोई भी ईमेल सेंड कर सकता है राइट right? Now, जो spoofer होता है, उसे क्या करना रहता है ये करने करने के लिए उसे सिर्फ command insert करने होते हैं इन द हेडर ऑफ द ईमेल ताकि वो मैसेज की इंफॉर्मेशन को अल्टर कर सके अगेन आई रिपीट स्पूफ ईमेल्स क्रिएट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू हमें कमांड इंसर्ट करने होते हैं इन द ईमेल हेडर राइट right? ताकि हम मैसेज की इंफॉर्मेशन को अल्टर कर सके ताकि जो रेसिपिएंट है उसे ऐसा लगे कि ये जो ईमेल है वो कोई और पर्सन के पास से आया है राइट एंड इट इज पॉसिबल टू सेंड अ मैसेज दैट अपीयर्स टू बी फ्रॉम एनीवन एनीवेयर एंड सेइंग व्हाटएवर द सेंडर वांट्स इट टू से राइट कोई भी बंदा कहीं से भी बैठे-बैठे कोई भी पर्सन को ये ईमेल सेंड कर सकता है एंड बिलीव मई स्टूडेंट इट इज वेरी इजी टू डूल प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं उसमें ही वर्नरेबिलिटीज है राइट right? उसमें ही वीकनेस है इसीलिए ये बहुत ही ईजी है ई मेल्स पुफिंग करना राइट नाउ द थिंग इज दट स्टूडेंट कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने जो ईमेल नहीं लिखा है राइट right? लेकिन वो ईमेल किसी और को मिलता है वहां पे ऐसा लगता है कि वो ईमेल आपने भेजा है ऐसा भी हो सकता है एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज ईमेल स्पूफिंग स्टूडेंट्स ऐसा हो सकता है कि कोई एक्स जेड बंदा आपके नेम से आपके ईमेल एड्रेस आपके ईमेल आईडी का यूज करके कोई भी एबीसी पर्सन को ईमेल सेंड कर सकता है तो एबीसी पर्सन को तो ऐसा ही लगेगा कि आपने वो मेल सेंड किया है दो आपने वो ई सेंड नहीं किया है राइट right? नाउ हम क्या कर सकते हैं नो डाउट जो मतलब जिन्हें इतनी आइडिया नहीं है जिन जिनके पास इतना नॉलेज नहीं है मोर प्रेसाइज नॉन आईटी पीपल होते हैं, वो ऐसा समझ लेंगे कि ओके okay, ये बन ये ईमेल यही पर्सन के पास से आया है कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हमें पता है कि ऐसे ईमेल्स भी होते हैं, तो वहां पे हम सिर्फ डिलीशन करने से अच्छा हम दूसरी भी सिक्योरिटी लेवल की uh, मतलब फंक्शनलिटीज कर सकते हैं राइट right? वहां पे सिक्योरिटी लेवल हम बढ़ा सकते हैं राइट सो दिस इज द थिंग स्टूडेंट्स के हमें पता होना चाहिए कि ये स्पूफ्ड ईमेल है तो ही हम उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म कर पाएंगे बिकॉज स्टूडेंट्स ये जो स्पूफ ईमेल होते हैं सिर्फ इतना नहीं होता कि उसके अंदर कुछ भी लिखा हो नो no. बहुत सारे स्पूफ ईमेल्स ऐसे भी होते हैं कि जिससे बहुत बड़ा मतलब हमें डिसएडवांटेज हो सकता है बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल स्पूफ में भी आपके पास ऐसा आता है कि कोई पर्सन uh, ऐसा है कि जिसके पास बहुत ऑथोरिटी है वो बंदा आपको ईमेल सेंड कर रहा है कि आपके पास से कोई सेंसिटिव डेटा मांग रहा है फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड है क्रेडिट कार्ड डेटा है अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन है राइट right? ऐसा भी हो सकता है दूसरा कि नाउ व्हाट इज द थिंग अगर आपको पता है कि ओके कि हमें को किसी को भी पासवर्ड नहीं सेंड करना है कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं सेंड करनी है क्रेडिट कार्ड का डेटा नहीं सेंड करना है वेल एंड गुड अगर आपको पता है तो आप वहां पे सेफ हो लेकिन कोई ऐसा बंदा है कि जिसको पता नहीं है वो तो ऐसा ही सोचेगा कि ओके ये जो स्पूफ ईमेल है वो कोई पर्सन ऐसा है कि जो बहुत आ, बड़ी ऑथोरिटी के ऊपर है उसी ने ये ईमेल सेंड किया है तो वो तो क्या करेगा Obviously, वो, जो भी वो बंदे ने होगा क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन या फिर, फिर तो सेंड कर देगा right? so the thing is that ये करना बहुत ही आसान है ईमेल स्पूफ spoof, मतलब ई मेल्स क्रिएट करना इज वेरी इजी लेकिन उसका रिजल्ट इज वेरी मच डिस्ट्रक्टिव राइट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जाम्पल वहां पे लिखा होगा कि Bill Gates ने ई मेल सेंड किया है और वो आपको जॉब ऑफर कर रहा है राइट right? और अगर आपको जॉब ऑफर के लिए उसके रिलेटेड लॉग इन क्रिएट करना है तो आप एक काम करो ये यूजर आईडी और पासवर्ड यूज करके ये वेबसाइट के अंदर लॉग इन करके आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दो ऐसा भी ईमेल आ सकता है मीन्स दो ऑब्वियसली हमें पता है मतलब अगर हम आईटी पर्सन है तो हमें पता होना चाहिए कि बिल गेट्स खुद तो ईमेल सेंड नहीं करेगा राइट right? ऑबवियसली ये ईमेल किसी और बंदे ने भेजा है बिकॉज़ ही वांट्स टू कलेक्ट आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन राइट सो स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि ये ईमेल सही है मतलब वैलिड है कि इनवैलिड है कोई रॉन्ग पर्सन ने आपको ये ईमेल सेंड किया है दूसरी चीज कभी कभी आपके पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास से भी आपको ऐसा लगेगा कि ये ईमेल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने भेजा है क्यों वो ऐसा बता रहा है कि आप अपना जो अकाउंट का पासवर्ड है वो ये सेट कर दो वरना मैं आपका अकाउंट सस्पेंड कर दूंगा अरे भैया कोई भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हमें फोर्स नहीं कर सकता कि हम हमारे अकाउंट का पासवर्ड दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग रखे इट मींस के अगर आपको कोई ऐसा ईमेल आता है मींस वो फ्रॉड ईमेल है फॉर्ज ईमेल है इनवैलिड ईमेल है हमें ऐसा नहीं करना है राइट right? कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वहां पे बहुत ही हाई अथॉरिटी फॉर एग्जांपल वो खुद को बैंक का मैनेजर बताता है और आपको ईमेल सेंड करता है कि आपके पासवर्ड की फाइल मुझे भेजो राइट right? वरना आ, मैं आपका बैंक अकाउंट सस्पेंड कर दूंगा फ्रीज कर दूंगा कोई भी बैंक मैनेजर आपके पास से आपके ऑनलाइन बैंकिंग की पासवर्ड uh, फाइल नहीं मांग सकता वो कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपके पास से नहीं मांग सकता उसके पास ऐसा राइट right ही नहीं है कि वो आपके पास से ऐसी वर्क right? okay. करता है मतलब अगर हमें स्पूफिंग करना है तो वो किस हिसाब से वर्क करेगा राइट इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म स्टूडेंट्स क्या करना होता है कि फ्रॉम जो फील्ड होती है एंड अलोंग विद देम जो डिस्प्ले नेम फील्ड होती है अगर हम ज्यादा बात करें तो डिस्प्ले नेम जो फील्ड होती है आपके ईमेल फैसिलिटी के अंदर राइट आप जो ईमेल रिलेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसके अंदर राइट उसको आपको चेंज करना होता है अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स अगर आपको स्पूफिंग करना है राइट right? तो आपको क्या करना रहता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम जीमेल की बात करें राइट right? तो जीमेल में अगर आप अपनी पर्सनल सेटिंग के अंदर जाओगे जिसके अंदर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हो राइट right? वहां पे एक फील्ड होती है डिस्प्ले नेम वो डिस्प्ले नेम इज स्ट्रिंग उसके अंदर आप कोई भी चीज लिख सकते हो दो मैंने ईमेल क्रिएट किया होगा लेकिन मैं वहाँ पे कोई भी नेम सेट कर सकती हूँ डिस्प्ले नेम मीन्स इट इज जस्ट अ फील्ड के ये नेम वहां पे डिस्प्ले होगा जब भी ये ईमेल ये पर्टिकुलर अकाउंट से जाएगा तो रेसिपियंट के इनबॉक्स में ये डिस्प्ले नेम पे डिस्प्ले करेगा That's it. उसका काम सिर्फ इतना ही है और अगर आप डिस्प्लेम सेोगे तो वहां पे ईमेल right? so हम सिर्फ ये डिस्प्ले नेम चेंज करेंगे राइट ई मेल एड्रेस भी चेंज करने की जरूरत नहीं है दो हम ऐसा प्रिटेंड कर सकते है कि ये पर्टिकुलर ईमेल कोई दूसरे पर्सन के पास से आया है राइट right? दो वो पर्सन ने वो ईमेल सेंड नहीं किया होगा लेकिन हम ऐसा वहां पे प्रिटेंड कर सकते हैं कि ये फॉर एग्जांपल मैं वहां पे सेट कर दूंगी कि बैंक मैनेजर डिस्प्ले नेम में अगर मैंने सेट कर दिया बैंक मैनेजर इन शॉर्ट कि ऐसे बंदे को मतलब ऐसे रेसिपियंट की जिनको ईमेल रिलेटेड या फिर इतने बहुत कोई आइडिया नहीं है वो सिर्फ ईमेल पढ़ते हैं और उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं दैट इज द थिंग उसे तो ऐसा ही लगेगा कि ये बैंक मैनेजर ने भेजा है नो no, लेकिन अगर वहां पे बैंक मैनेजर लिखा है तो आप एक काम करो ना फ्रॉम फील्ड के अंदर ईमेल एड्रेस चेक करो कि ये ईमेल एड्रेस कौन सा है अगर वो बैंक मैनेजर ने ईमेल सेंड किया है तो वहां का डोमेन बैंक की वेबसाइट के हिसाब से होना चाहिए जो पर्टिकुलर बैंक मैनेजर मतलब वो बैंक मैनेजर प्रिटेंड कर रहा है कोई एक्स वाई जेड बैंक का तो ऑब्वियसली फॉर्म फ्रॉम फील्ड के अंदर वो पर्टिकुलर बैंक के डोमेन रिलेटेड वहां पे आ, ईमेल एड्रेस होना चाहिए अगर वो पर्टिकुलर बैंक डोमेन रिलेटेड ईमेल एड्रेस नहीं है इन शॉर्ट के ये कोई और बंदे ने आपको भेजा है राइट सो स्टूडेंट्स दिस इज अ वेरी इजी थिंग कि हम ये स्पूफिंग कैसे कर सकते हैं जस्ट वी हैव टू चेंज द डिस्प्ले नेम अगर हम पीओपी प्रोटोकॉल की बात करें तो वहां पे भी हम Uh, वहां पे एक फील्ड होती है कि आपको कौन सा टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है अगर हम वो फील्ड चेंज कर देंगे तो ऑब्वियसली इनबॉक्स में वो नेम डिस्प्ले होगा जब हम हमारे अकाउंट में से पर्टिकुलर पर्सन को ईमेल सेंड करेंगे राइट right? अगर हम आउटलुक एक्सप्रेस की बात करें दैट इज माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक्सप्रेस की बात करें तो वहां पे भी हम हमारा मेल अकाउंट सेटअप कर करने के वक्त हम वहां पे डिस्प्ले नेम दूसरा दे सकते हैं दो मैं वहां पे लिखूंगी फॉर एग्जाम्पल निकीशा जरीवाला एट हॉटमेल डॉट कॉम या फिर निकीशा जरीवाला एट आउटलुक एक्स आउटलुक डॉट लेकिन मैं वहां पे डिस्प्ले नेम कोई और भी सेट कर सकती हूँ राइट right? एंड वी नो कि अगर ये पर्टिकुलर आउटलुक एक्सप्रेस में से जो ईमेल फायर होगा राइट right? जो ईमेल शूट होगा वो रेसिपियंट के पास पहुंचेगा तो वहां पे नेम उसे अपने इनबॉक्स में दिखाई देगा बिकॉज मैंने यहाँ पे जो भी ईमेल एड्रेस दिया है डिस्प्ले नेम अगर मैंने वहां पे दिया है बैंक मैनेजर तो रेसिपियंट के मेल प्रोग्राम में मुझे वही बैंक मैनेजर दिखाई देगा राइट right? मेरा ईमेल एड्रेस वहां पे दिखाई नहीं देगा and students it depends it depends on the service provider it depends on the mail program it depends on the uh, mail facility ke hum kis facility use kar rahe hai kaun sa software use kar rahe hai uske hisab se hum bahut sari fields change kar sakte hai right again I repeat students हम बहुत सारी fields change कर सकते हैं ताकि ऐसा लगे कि ये particular email कोई और बंदे ने भेजा है राइट बिकॉज वहां पे ईमेल एड्रेस की फील्ड अलग होती है और अकाउंट नेम या फिर डिस्प्ले नेम डिस्प्ले ऐसी डिफरेंट होती है सेपरेट होती है कि जिसके अंदर हम कोई भी टेक्स लिख सकते हैं राइट नज दट स्टूडेंट अगर हम ये uh, मतलब कोई कोई प्रोग्राम uh, ऐसे भी होते हैं कि जो मेल हेडर भी चेंज करने की मतलब चेंज कर सकते हैं वो पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स कोई कोई ये ईमेल रिलेटेड प्रोग्राम ईमेल रिलेटेड सॉफ्टवेयर एजेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिसके अंदर हम मेल हेडर चेंज कर सकते हैं ताकि अगर कोई मेल हेडर भी देखे ना तो उसे ऐसा ही लगेगा कि ये कोई एक्स वाई जेड पर्सन ने सेंड किया है दो वो ई मेल हमने सेंड किया होगा बट वो उन्हें ऐसा ही लगेगा कि ये कोई एक्सवाइजेड पर्सन के पास से ओरिजिनेट हुआ है राइट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं कि ये फ़ील्ड्स दिखाते ही नहीं है हमें वो फील्ड देखनी होती है राइट फॉर एग्जांपल आप आउटलुक एक्सप्रेस में ये फील्ड देखना चाहते हो तो आपको मैसेज ओपन करना है और वहां पे व्यू मेनू में ऑप्शंस नाम का एक सब मेनू होगा उसके अंदर से आप ये हेडर देख सकते हो तो अगर हेडर के अंदर वो बंदे ने कोई कोई भी फील्ड चेंज नहीं की है तो उसके ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि ओके ये मैसेज वो पर्टिकुलर ऑथोरिटी पर्सन के पास से नहीं आया है ये ईमेल तो ये कोई और बंदे ने भेजा है राइट सो अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स इट डिपेंड्स ऑन द ईमेल क्लाइंट इट डिपेंड्स ऑन द ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर कि वो आपको कितनी हद तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है राइट लेकिन स्टूडेंट्स अगेन आई रिपीट आपको ऐसे ईमेल्स से बहुत सेफ रहने की जरूरत है राइट right? कभी कभी ऐसे भी ईमेल्स आते हैं कि ओके आई okay, एम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वहां पे लकी ड्रॉ हुआ था आपका ईमेल एड्रेस है ना ये लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हुआ है तो आपको टेन थाउजेंड डॉलर आपको मिलेंगे लेकिन ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए ये टेन थाउजेंड डॉलर क्लेम करने के लिए आपको ट्वेंटी थाउजेंड रूपीज ये पर्टिकुलर अकाउंट में डिपॉजिट करने रहेंगे राइट right? अब अगर जो बंदे को पता नहीं है कि ऐसा कोई चीज ऐसी कोई चीज नहीं होती है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में वो लोग ऐसा लकी ड्रॉ नहीं करते हैं राइट और उन्हें कैसे पता होगा कि ये पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस है अगर इसके रिलेटेड आइडिया नहीं है तो वो बंदा क्या सोचेगा ओके okay, मुझे तो टेन थाउजेंड डॉलर मिलने वाले हैं लकी ड्रॉ में मैं जीता हूँ मुझे सिर्फ ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज ही तो ट्रांसफर करने हैं तो वो बंदा क्या करेगा ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज ट्रांसफर कर देगा और ऑबियसली वो ईमेल मेल फॉर्ज ई था वो फ्रॉड बंदा था तो आपको कोई टेन थाउजेंड डॉलर नहीं मिलेंगे इन शॉर्ट आपको डिस्प्ले नेम के साथ साथ वहां पे ईमेल एड्रेस भी चेक करना पड़ेगा जिसके ऊपर से आपको पता चल जाए कि ये ईमेल कहा से आया है राइट सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट ईमेल स्पूफिंग कि हम कैसे ईमेल को स्पूफ कर सकते हैं ताकि कोई भी पर्सन को ऐसा लगे कि ये कहीं और से ओरिजिनेट हुआ है दो हमने वो ईमेल सेंड किया है राइट और राइट